देश में काफी राज्यों में कोरोना के मामलों में तेजी देखी जा रही है, तो काफी राज्यों में मामले तेजी से घट रहे हैं। आइए जानते हैं आज 4 जून 2022 को आपके राज्य में पिछले 24 घंटे में कितने केस मिले। नंबर एक, गुजरात में पिछले 24 घंटे में 46 नए मामले, मौतें कोई भी नहीं, 33 रिकवरी दर्ज की गई, सक्रिय मामले 267 हैं। नंबर दो, पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 42 नए मामले सामने हैं, 39 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 378 हैं। नंबर तीन, पंजाब में पिछले 24 घंटे में 11 नए कोविड के मामले, 31 रिकवरी और कोई भी मौत दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 111 हैं। नंबर चार, हरियाणा में आज 226 नए कोरोना के मामले, 168 रिकवरी और कोई भी मौत दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 918 हैं। नंबर पाँच, तेलंगाना में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 49 नए मामले सामने हैं, 50 लोग डिस्चार्ज हुए, इस दौरान कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 520 है। नंबर छह, असम में कोरोना वायरस के कोई भी नया मामला, कोई भी मरीज डिस्चार्ज नहीं और कोरोना वायरस की वजह से कोई भी मौत भी नहीं हुई है, सक्रिय मामलों की संख्या 10 है। नंबर सात, कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में 259 नए कोरोना के मामले, 234 रिकवरी और कोई भी मौत दर्ज नहीं की गई है, सक्रिय मामले 2229 है। नंबर आठ, उत्तराखंड में आज कोरोना वायरस के 12 नए मामले सामने हैं, 1 लोग ठीक हुए हैं, कोई भी मृत्यु नहीं हुई है, राज्य में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 492 है। नंबर 9, तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 113 नए मामले सामने आए हैं, 68 लोग ठीक हुए हैं, कोई भी मौत नहीं हुई, सक्रिय मामलों की संख्या 756 है। नंबर 10, पांडिचेरी में आज 11 नए कोरोना के मामले, कोई भी मौत नहीं, 4 रिकवरी दर्ज की गई, सक्रिय मामलों की संख्या 36 है। नंबर 11, गोवा में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 50 मामले, 18 रिकवरी और कोई भी मौत रिपोर्ट नहीं की गई, सक्रिय मामले 217 हैं। नंबर 12, आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 9 नए मामले आए हैं, इस दौरान 6 लोग डिस्चार्ज हुए, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 61 हैं। नंबर 13, राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 32 नए मामले सामने, इस दौरान 60 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 485 रह गए हैं। नंबर 14, केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1278 नए मामले सामने आए हैं, 743 लोग ठीक हुए हैं, 20 लोगों की मौत हुई है, राज्य में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 7505 है। नंबर 15, मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 43 नए कोरोना संक्रमण के मामले, मौतें कोई भी नहीं और 54 ठीक हुए हैं, सक्रिय मामले 243 हैं। नंबर 16, झारखंड में कोरोना संक्रमण के 6 नए मामले सामने आए हैं, 8 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं और कोरोना से कोई भी मौत नहीं हुई, सक्रिय मामले 37 हैं। नंबर 17, हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 21 नए मामले सामने आए हैं, 7 लोग डिस्चार्ज हुए, इस दौरान कोई भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई, सक्रिय मामले 69 हैं। नंबर 18, मणिपुर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कोई भी मामला सामने नहीं आया है, 5 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, इस दौरान कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 5 है। नंबर 19, बिहार में पिछले 24 घंटे में 15 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, 3 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, इस दौरान कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 54 हैं। नंबर 20, उड़ीसा में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 8 नए मामले सामने हैं, इस दौरान 22 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 120 हैं। नंबर 21, त्रिपुरा में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण का कोई भी मामला सामने नहीं आया है, इस दौरान कोई भी डिस्चार्ज नहीं हुआ है, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 0 है। नंबर 22, महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1134 नए मामले सामने हैं, 563 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं, कोरोना वायरस की वजह से 3 मौतें हुई, सक्रिय मामले 5127 हैं। नंबर 23, उत्तर प्रदेश में आज 192 नए कोरोना संक्रमण के मामले, 143 डिस्चार्ज, कोई भी मौत दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 937 हैं। नंबर 24, राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 345 नए मामले सामने आए हैं, 389 रिकवरी हुई है, कोरोना से 2 मौतें हुई, सक्रिय मामले 1446 रह गए हैं। नंबर 25, अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण का कोई भी मामला सामने नहीं आया है, कोई भी डिस्चार्ज नहीं हुआ है, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 3 हैं। नंबर 26, छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 8 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 6 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 62 हैं। नंबर 27, जम्मू कश्मीर में आज 11 नए कोरोना के मामले, 2 रिकवरी, कोई भी मौत दर्ज नहीं की गई, केंद्र शासित प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 71 है। नंबर 28, मेघालय में कोरोना संक्रमण का कोई भी मामला नहीं आया है, इस दौरान 1 लोग डिस्चार्ज हुए, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 2 हैं। नंबर 29, मिजोरम में कोरोना संक्रमण के 19 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 24 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 119 हैं। तो ये थे आपके राज्यों के 24 घंटे के कोरोना केस रिपोर्ट्स। के अलावा भी किसी और राज्य की आपको कोरोना अपडेट चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं।